अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम करेंगे नापी के साथ पैंट कटिंग। मतलब कि पहले नाप लेंगे और फिर उसकी कटिंग करेंगे। तो मेरे पास एक पुरानी पैंट है, ओल्ड पैंट, हम उसकी नाप लेंगे और फिर उसकी कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम लंबाई नापेंगे। तो लंबाई हमारी देखो 36 इंच है, हालांकि हमें लंबाई इसकी बड़ी रखना है क्योंकि कस्टमर ने जो लंबाई बोला है उसमें बढ़ाने के लिए, तो हम उसकी लंबाई रखने वाले हैं 37.5 इंच। ठीक है, आप अपने नाप के हिसाब से लिख लें, आपको जितनी लंबाई रखना है वो अपने हिसाब से लिख लें। तो ये हमारी लंबाई हो गई 37.5। उसके बाद हम नापेंगे मांडी, नापेंगे कपड़े को बिल्कुल सीधा सीधा बिछा लें, जैसे कि मैंने बिछाया हुआ है। नीचे से भी बिल्कुल बराबर रहे कपड़ा, चुंगड़ा ना रहे, और बिल्कुल कोने से ही मैं नाप रहा हूँ, उसी हिसाब से मैं कटिंग करूँगा। तो ऊपर से देखो मैंने नापा है, ये 13 इंच आया है। अब 13 का हम डबल करेंगे यानी मतलब 26 इंच, तो मांडी हमारी हो जाएगी 26 इंच की। उसके बाद हम नापेंगे घुटना। तो घुटना नापने का फार्मूला ये है दोस्तों कि जितनी भी लंबाई हमारी पैंट की है, ये हमारी 36 थी, तो उसका हम आधा करेंगे और उसमें हम 2 इंच ऐड कर लेंगे। अंदाज से आप चाहें तो कर लें वैसे भी, तो इसमें हम 2 इंच ऐड कर लेंगे और जहाँ पर भी हमारा आ रहा है वहीं पर हम घुटना नाप लेंगे। तो ये हमारा हो गया 9.25। 9.25 को हम जब डबल करेंगे तो हमारा आ जाएगा 17.5। तो हमारा घुटना हो जाएगा 17.5। उसके बाद हम नाप लेंगे बॉटम। बॉटम हमें सेम रखना है जितना हमारा इसमें है, तो ये 7.25 है। 7.25 का भी डबल करेंगे तो 13.5 इंच आ जाएगा, तो उसे भी लिख लेते हैं। आप अपने हिसाब से, आपका जो भी नाप हो उस हिसाब से लिख लें। मैं इसलिए इसको नाप कर कटिंग करने वाला हूँ ताकि आपको बिल्कुल समझ में आए कि कटिंग कैसे करेंगे। इसके बाद दोस्तों हम नापेंगे हिप। हिप नापने के लिए आप क्या करें, पहले तो चैन बंद कर लें और कपड़े को नीचे से और ऊपर तक बिल्कुल खींच कर बैठा लें। देखिए आप नीचे से कपड़ा बिल्कुल हमारा बराबर रहे, चुंगड़ा ना रहे, इसे खींच कर बिछा लें। उसके बाद इसको नाप लेंगे, जहाँ पर हमारी हिप होती है वहाँ पर नापेंगे। तो ये हमारा आया है देखो 20 इंच। 20 का हम डबल करेंगे तो हमारा हो जाएगा 40 इंच। तो हम हिप लिख लेते हैं 40 इंच। इसके बाद हम नाप लेंगे कमर। कमर हमें बढ़ाना है कस्टमर के अकॉर्डिंग, हमें रखना है 34.5। हालांकि मैं आपको नाप के बताता हूँ, जहाँ से देखो हमारी फ्लाई स्टार्ट होती है हम वहीं से नापेंगे, जहाँ से जॉइंट रहती फ्लाई स्टार्ट होती है वहाँ से, और पूरा घुमा कर नापेंगे। और जहाँ पर हम बंद करते हैं, जहाँ हमारी आई लगी होती है बंद करने वाली आई, वहाँ पर नापेंगे। तो ये हमारा 33.5 आया है, मगर हमें रखना है 34.5। तो कमर लिख लेंगे, कमर हमारी हो गई 34.5। अब इसमें एक चीज़ और नापेंगे और उसी के हिसाब से हम कटिंग करेंगे। हम नापेंगे लटक। आप हिप की चौथाई भी रख सकते हैं लटक के लिए, मगर मैं इसमें लटक नाप के इसकी कटिंग करने वाला हूँ आपको दिखाने के लिए कि देखो ऊपर से नापेंगे बिल्कुल आखिर तक, और वहीं पर हम उसको पकड़ कर फिर पीछे पूरा कपड़ा घुमा लेंगे, फिर पूरा नाप लेंगे पीछे। तो जहाँ हमारी जॉइंट है उससे हम 1.5 इंच फ़र्क, जहाँ पर देखो हमारी लूप्स लगी है वहाँ तक नाप लेंगे। तो ये हमारा हो गया 27.5 इंच। तो इसे भी लिख लेंगे, तो ये हो गई हमारी लटक 27.5 इंच। अब इसी के अकॉर्डिंग जैसे हमने नापा हुआ है इसी से हम कटिंग करेंगे। तो कटिंग करने से पहले हम कपड़े को देख लेते हैं उल्टा सीधा और उल्टा करके बिछाएंगे। कपड़ा हमेशा उल्टा करके बिछाएं और किनारी वाला हिस्सा अपनी तरफ रख लेंगे और जॉइंट वाला हिस्सा दूसरी तरफ। सबसे पहले ऊपर एक निशान लगाएंगे कपड़ा सीधा करने के लिए। कपड़ा अगर बराबर है तो बिल्कुल कम लगाएं, कपड़ा कम ज़्यादा है तो आप कपड़ा देख लें उस हिसाब से निशान लगाएं। अब इसके बाद हम रखेंगे लटक। चाहें तो आप हिप की चौथाई रख लें, 40 की चौथाई 10 इंच, और लटक के हिसाब से रखेंगे। तो इसका भी फार्मूला आपको बता देता हूँ। तो 27.5 को हम आधा करेंगे, जहाँ पर हमारा 27.5 है आप चाहें तो इंची टेप से जैसे मैं कर रहा हूँ उसको आधा कर लें बिल्कुल इस तरीके से। देखो ये हमारा 14.25 है। अब इसमें हम क्या करेंगे, 3.25 इंच कम कर देंगे। आप 3.5 इंच भी कम कर सकते हैं, हमें 3.25 इंच कम कर रहा हूँ, तो 3.25 इंच कम करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 10.5। तो हम रखेंगे लटक 10.5, 10.5 पर निशान लगाएंगे। उसके बाद हम रखेंगे घुटना। घुटना हमारा 17.5 है, तो इसको रखने के लिए फार्मूला वही है दोस्तों कि लंबाई जितनी है
उसका हम आधा करेंगे। 37.5 की लंबाई है जो उसको आधा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 19.5। 19.9 पर निशान लगाएंगे और 2 इंच उसमें हम ऐड कर लेंगे। तो ये हमारा मिल गया घुटने का निशान, 2 निशान हमारा हो गया। अब उसके बाद हम रखेंगे लंबाई। लंबाई के लिए आप ऊपर से 1 इंच कम कर दें, ये हमारी बेल्ट की मार्जिन चले जाती है, क्योंकि 1.5 का बेल्ट लगाएंगे तो 0.5 इंच सिलाई मार्जिन के लिए और 1 इंच बेल्ट के लिए। ऊपर से 1 इंच छोड़ेंगे, लंबाई हमारी 37.5 है तो नीचे बिल्कुल 37.5 लगाएंगे और नीचे रख लेंगे 2.5 इंच मोड़ने के लिए। तो जितना हमारा निशान मिला है दोस्तों, सारे जितना 3 निशान मिला है, इसी को हम डबल करके निशान लगा लेंगे ताकि हमें लकीर बिल्कुल सीधी सीधी हो जाए। और एल पट्टी से लगाएंगे तो आप एक ही निशान से भी हो जाएगा आपका। इसको डबल करने के बाद सब लकीर को हम मिला लेंगे। इस तरीके से ये हमारा देखो 3 निशान मिल गया। अब इसके बाद हम रखेंगे यहाँ पर मांडी। मांडी के लिए हम किनारी छोड़ देंगे। फिर मांडी हमारी थी 26 इंच, फिर 26 का आधा करेंगे 13 इंच, 13 पर निशान लगाएंगे और उसका आधा करेंगे तो 6.5 आएगा। आप चाहें तो इंची टेप मोड़ कर, जिस तरह की मैं मोड़ रहा हूँ उसी तरीके से आप चाहें तो मोड़ कर लगा लें। तो दोस्तों ये हमारा सेंटर मिल गया। अब हम क्या करेंगे, बीच के सेंटर से कपड़े के जहाँ ख़त्म होता है वहाँ तक नापेंगे। तो ये हमारा 7.25 इंच आया है, घुटने के पास भी लगा देंगे और बॉटम के पास भी। इससे क्या हमारा बिल्कुल सेंटर मिल जाएगा, नीचे का भी मिल गया, घुटने के पास भी मिल गया और ऊपर का भी। अब रखेंगे बॉटम मोड़ी जो होती है वो 13.5 है, 13.5 का आधा करेंगे 7.5 इंच और 7.5 का भी आधा करेंगे तो 3.5 इंच में एक सूत कम। इस तरीके से 3.5 में एक सूत कम हम इधर एक तरफ लगाएंगे और दूसरी तरफ भी। ये हो गया हमारा बॉटम घुटना। उसके बाद हम रखेंगे घुटना। घुटना हमारा 17.5 है, उसी तरीके से इसको भी इंची टेप से आधा कर लें, 9.25 आ जाएगा। फिर 9.25 को भी आधा कर लेंगे तो ये आ जाएगा 4.5 में एक सूत कम। इधर भी एक तरफ 4.5 में एक सूत कम एक तरफ और फिर दूसरी तरफ भी निशान लगा लेंगे। निशान हो गया दोस्तों ये। अब हम इसको मिलाएंगे, बीच वाले को सीधी पट्टी से मिला लेंगे और किनारी वाली को हल्की राउंड शेप देंगे। ट्राउज़र पॉइंट है, इन दोनों निशान को मिला लेंगे। जिस तरीके से एक तरफ पट्टी से मिलाएंगे उसी तरीके से दूसरी तरफ भी मिलाएंगे। ऊपर भी मिला लेंगे उसी तरीके से। आपकी पट्टी जहाँ से शेप आपका बैठे उसी तरीके से मिलाएं। इसके बाद ऊपर जहाँ पर हमारी पॉकेट बनेगी ऊपर हल्की राउंड शेप से मिलाएंगे, हल्का राउंड दे देंगे। अब रखेंगे हम यहाँ पे कमर। तो कमर हमारी 34.5 है, उसकी चौथाई करेंगे 8.5 इंच एक सूत एक निशान लगाएंगे वहाँ पर और उसके बाद उसमें लगाएंगे 1.5 इंच की, यहाँ पे जो हमें सिलाई होती है 0.5 इंच की मार्जिंग इधर, 0.5 इंच की मार्जिंग उस तरफ, तो 1 इंच मार्जिंग लगाएंगे, 1 इंच की इसमें हम मार्जिंग दे देंगे इस तरीके से। और फलाई के लिए हम रखेंगे 2.25 इंच पर। अब इसको मिला लेंगे। अगर ये सीधा होता तो हम राउंड इसको और कम कर देते, हल्का क्रॉस है, फ्लाई क्रॉस रहती है तो सेब अच्छा बैठता है। देखो यहाँ से हमारा है 11 इंच, अगर ऊपर नापेंगे तो देखो हमारा ऊपर बाहर जा रहा है तो ये हमारा थोड़ा का क्रॉस हो गया। तो ये अच्छा है कि हमें क्रॉस पहले ही मिल गया। अब क्या करेंगे, हम फ्रंट को डाउन करेंगे। फ्रंट हमारा 0.5 से 1.25 इंच आप डाउन कर दें, नीचे फ्रंट डाउन होता है, हल्का राउंड शेप से इसे डाउन कर लेंगे और फ्लाई का जो हमारा फ्लाई है उसमें राउंड शेप दे देंगे। फिर पॉकेट का निशान लगा लेंगे, फ्रंट की पॉकेट, ऊपर से पॉकेट के लिए चौड़ाई दे देंगे हम यहाँ पर 2.25 इंच और लंबाई रखेंगे इसकी 7 इंच। तो दोस्तों ये हमारी फ्रंट पूरी हो गई। कमर 34.5 लिख देता हूँ मैं इसे।
अब इसकी हम करेंगे कटिंग। दोस्तों कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फ्रंट कटिंग करने के बाद हम फ्रंट को बिल्कुल वहीं से हटा लेंगे, फ्लाई का निशान लगा देते जहाँ हमें चैन लगेगी 2.25 इंच पर, अब इसे हटा लेंगे। उसके बाद हम करेंगे ये कपड़ा जो हमने काटा था इसी को कपड़े को हम पलट कर बिछा लेंगे और जो हमने फ्रंट काटा हुआ है उसी को ऊपर रख कर बिछा लेंगे। इसके बाद जो हमने निशान लगाया घुटने के पास इसको बड़ा कर लेंगे और बॉटम के पास भी बड़ा कर लेंगे। अब चाहें तो अब यहाँ पर हम जो बैग में मार्जिंग देते हैं आप 2.25 इंच डायरेक्ट भी रख सकते हैं और नहीं तो आप चाहें तो उसे नाप कर भी रखें, बिल्कुल बराबर दोनों ही आएगा। देखो बॉटम हमारा 13.5 है और यहाँ पर हम क्या करेंगे दोनों तरफ सिलाई मार्जिन छोड़ देंगे और इसको नाप लेंगे। इसको नापेंगे, देखो ये हमारा आया है 6 इंच, 6 इंच पर आप पकड़ लें इंची टेप्स इस तरीके से उठाकर, और हमारा बॉटम है 13.5 तो 13.5 पर लेके जाएंगे, जहाँ पर हमारा 6 इंच था वहाँ पर निशान लगाएंगे और उसमें सिलाई मार्जिन देंगे 1/2 इंच की, उसको भी नापेंगे तब 1.25 ही आ जाता है तकरीबन। ऊपर भी इसी तरीके से कर लेंगे, सिलाई मार्जिन छोड़ देंगे और नाप लेंगे। तो घुटना हमारा 17.5 है, 17.5 पर लेके जाएंगे और वहाँ पर निशान लगा लेंगे, फिर उसमें भी मार्जिन दे देंगे और मांडी के पास भी आपने देखा था जब हमने नाप ली थी मांडी का नाप लिया था तो बिल्कुल ऊपर से ही लिया था, उसी तरीके से यहाँ पर भी रखेंगे। तो पहले तो हम जो लकीर हमने खींचा हुआ है इसी लकीर को हम बड़ा कर लेंगे और एक निशान और लगाएंगे 1/2 इंच की दूरी पर और फिर हम इसे भी नाप लेंगे। मार्जिन आप चाहें 2.5 इंच रख दें यहाँ पर, बिल्कुल परफेक्ट आ जाएगा। आप उससे अच्छा कि आप नाप लें जिससे मैं नाप रहा हूँ, देखो हमने यहाँ नापा है 11.5 इंच, एक सूट ज़्यादा ही है वहाँ पर नापेंगे। और मांडी हमारी 26 है तो 26 पर लेके जाएंगे और इसे भी निशान लगा लेंगे और इसमें भी सिलाई मार्जिन दे देंगे इस तरीके से। तो ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट हो गया। अब हम इसका निशान लगा लेंगे, इसको जैसे हमारा सेप बैठेगा उसी तरीके से इसको निशान लगाएंगे। तो दोस्तों ये हमारा निशान बिल्कुल परफेक्ट हो गया। अब ऊपर जहाँ पे हम कमर रखेंगे, फ्रंट हमने 1/2 इंच डाउन किया था, आप बैक को 1.5 से 1.75 इंच बढ़ा लें ऊपर और निशान लगा लें। उसके बाद हम रखेंगे कमर, कमर हमारी 34.5 है, 34.5 की चौथाई करेंगे 8.5 इंच, एक सूत यहाँ ध्यान देंगे दोस्तों। इसके बाद हम लगाएंगे 1.5 इंच का निशान, एक और 1.5 इंच इसलिए लगाते हैं कि 1/2 इंच हमारी सिलाई मार्जिन जाती है और 1 इंच डॉट। देखो ये हमने 1.5 इंच बढ़ाया हुआ है तो क्या होता है कि 1/2 इंच हमारी यहाँ पे सिलाई चले जाती है मार्जिन और जो 1 इंच बचता है वो बीच में हमारा यहाँ जो डॉट लगता है वो डॉट का निशान हो जाएगा पीछे डॉट पॉकेट के पास। अभी मैं आपको डॉट लगा देता हूँ, देखो जहाँ से हमारी स्लिट जुड़ेगी और यहाँ तक आखिर हमारा 10 है तो अब 5 पर निशान लगाएं और यहीं पर हमारा डॉट लगेगा। जो हमने 1 इंच 1.5 इंच बढ़ाया था अब यहाँ पर हम 1 इंच का निशान लगाएंगे तो 1/2 इंच एक तरफ 1/2 इंच एक तरफ, ये हमारा 1 इंच हो गया, ये हमारा डॉट में चला गया और 1/2 इंच सिलाई मार्जिन तो हमने 1.5 इंच से ऊपर बढ़ाया हुआ था और जो आगे बढ़ाया 2.25 इंच उस स्लिट की जुड़ाई के लिए। अब रखेंगे हिप, हिप के लिए क्या करते हैं कि हम इसे भी निशान लगा लेंगे फ्रंट में सिलाई मार्जिन के लिए, उसको नाप लेंगे दोनों तरफ सिलाई मार्जिन छोड़ेंगे उसको नाप लेंगे। ये आया हमारे 10.5 और उसके बाद देखो हमारी हिप कितनी थी 40 इंच, तो 10.5 पकड़ेंगे और 40 का आधा करेंगे 20 इंच और 10.5 पर निशान लगा लेंगे 10.5 पर। ये हमारी हो गई हिप, बिल्कुल जितना हमने नापा हुआ था उसी हिसाब से हमने इसे नाप रखा है। तो अभी सभी शेप दे देंगे, और यहाँ पर राउंड शेप दे देंगे सीट की जुड़ाई के लिए और ऊपर से हमारी जहाँ से कटिंग होगी जो हमने 2.25 इंच बढ़ाया था ये हमारी सीट की जुड़ाई होती है, चौड़ा कपड़ा छोड़ते हैं पीछे। तो ये हमारा नाप हो गया पूरा, हम पॉकेट का भी निशान लगा लेते हैं
पॉकेट आप ऊपर से 3.25 इंच लगा लें। मैं 5.25 की पॉकेट लगाने वाला हूँ, तो 2.5 इंच एक सूत एक तरफ और दूसरी तरफ भी। तो ये हो गई हमारी पॉकेट की निशान भी पूरी हो गई। जो हमने डॉट लगाया था उससे भी निशान लगा लेते हैं। दोस्तों ये हमारी पैंट की जो निशान था कंप्लीट हो गया, हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।